आई होप माई वॉयस इज ऑडिबल टू यू ऑल. ओके सो लेट्स स्टार्ट. धर्मी कस्य अर्पिता. थोड़ा सा इसको जूम कर लेना, ठीक है? आंख पर स्ट्रेस कम पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा इसको जूम कर लेना, ठीक है? हम भी जूम कर ले रहे हैं, दिख नहीं रहा है, ठीक है? चलो, ओके. तो कल हम क्या बताए थे? स्टडी आई हैव टॉट यू हाउ टू क्रिएट, टिल नाउ वी हैव स्टडीड हाउ टू क्रिएट द टेबल. ओके, हाउ टू क्रिएट द टेबल एंड हाउ टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. दिस वी हैव लर्न्ड स्टडी. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. वी हैव लर्न्ड हाउ टू क्रिएट द टेबल, हाउ टू मॉडिफाई द टेबल. As usual, today some new students are there, so I will revise before them. Okay, let's suppose again we are going to create a table. फिर से मान लो हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं. वो टेबल बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन नंबर, नेम क्लास और सेक्शन. ठीक है, ये हम टेबल बनाने जा रहे हैं. क्या बनाने जा रहे हैं? कौन कौन सा एट्रीब्यूट है हमारे टेबल में? एडमिशन नंबर, नेम क्लास एंड सेक्स. ठीक है, नेम सेक्स एंड क्लास. सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल और टी फॉर ट्रांसजेंडर. ओके, मेल एंड मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और उसके बाद एक सेक्शन. ठीक है, तो टेबल हम लोग, चलो देखो यहाँ पर उसका कमांड क्या है टेबल को बनाने का, क्रिएट टेबल. वी हैव लर्न स्टडी, लेट्स लर्न इट अगेन, लेट्स सी इट ऑन द बोर्ड. ओके, क्रिएट टेबल. देखो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या, सॉरी, इसके पहले हम लोग को क्या करना है? यूज डेटाबेस. डेटाबेस देख लेते हैं. सो डेटाबेस. कौन से डेटाबेस में हम लोग इसको बनाए, बताओ? बोलोगी उधर से नहीं, बोलने का मतलब है कि यू आर नॉट रिसीविंग इट. अगर फीडबैक तुम नहीं दे रही हो तुम लोग, तो इसका मतलब है कि समझ नहीं पा रही हो. मेरा अपना दिमाग यही कहता है. ठीक है, तो चलो बताओ कौन बोलेगा. हेजिटेट नहीं करो, ठीक है? डोंट हेजिटेट. जिंदगी अभी बहुत लंबी पड़ी हुई है, इसी जगह से हेजिटेट करते रहोगे तब तो हुआ, तब तो सीखे. ठीक है, कम फॉरवर्ड एवरीबॉडी. नाउ सी हाउ मेनी डेटाबेस यू कैन सी हियर. कम फॉरवर्ड, स्पीक. कौन कौन लोग है जी यहाँ पर, कौन बताएगा? भैरवी, बहुत दिन के बाद आई है. भैरवी, निकिता, ईशा, वानी. चलो देखो यहाँ पर बताओ कौन कौन सा डेटाबेस अवेलेबल है. बोलो, टाइम मत किल करो. देखो जल्दी से कौन कौन सा डेटाबेस है. यू कैन सी हियर डेटाबेस, इंफॉर्मेशन स्कीमा, अर्पिता, जेकेएस, क्रॉनिका, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल, स्नेहलता एंड टेस्ट. हाउ मेनी डेटाबेसेस आर अवेलेबल? यू कैन सी नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन टू द डेटाबेस नेम्ड अर्पिता. ओके, तो इसके लिए कमांड हम क्या लिखेंगे, क्या कमांड लिखेंगे? किसी डेटाबेस को ओपन करने का कमांड क्या है? डेटाबेस को ओपन करने का कमांड है यूज और डेटाबेस का नेम. ओके, यूज अर्पिता. ओके, आई हैव रिटन. नाउ लेट्स अगेन, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल विच आई टोल्ड. क्रिएट टेबल, क्रिएट. दिख रहा है सबको क्लियर? क्या थोड़ा और इसको बड़ा कर दें? अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा. आई थिंक इट इज लार्ज. क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रख देते हैं एसटीडी. ओके, क्रिएट टेबल का नाम एसटीडी. चलो अभी निकिता बताएगी कि इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन सा है, ठीक है? क्योंकि हम वो क्लास अटेंड की है. कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है निकिता, जल्दी बताओ. पहला एट्रीब्यूट्स बोलो, परेशान मत हो, आराम से बोलो. ठीक है, आई एम नॉट अ मैन ईटर. बताओ जल्दी बोलो, पहला एट्रीब्यूट कौन सा बोले थे? इसका मतलब तुम सुनती नहीं हो. ठीक है, यस सर, बता रहे. एट्रीब्यूट कौन सा बोले थे बताओ? एडमिशन नंबर बोले थे, एडमिशन नंबर. चलो इसका डेटा टाइप क्या होगा ये बताओ. इसका होगा नहीं, कंफर्म बोलो कि हुब्बे करेगा. ठीक है, ओके, हाँ ठीक है. चलो उसके बाद फिर क्या बोले नेक्स्ट? नेम है ना, नेम बोले. नेम विल बी ऑफ वर्कर, टू वर्कर. ओके, इट्स साइज विल बी दिस.
एंड देन सेक्स, बोलो सेक्स का डेटा टाइप क्या होगा? इसमें हमको एम एफ रखना है, एम या एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर, ओके, या ओ फॉर अदर। हमको एक लेटर रखना है, क्या होगा? वेरकेर, वेरकेर। साइज क्या हो जाएगा बताओ, साइज बोलो, बोलो कौन, बोलो भैर भी बोलो, सबसे ज्यादा मार्क्स लाई हो तुम। तो ही रखना है, बोलो इसका साइज क्या होगा? इसका साइज वन होगा ऑब्वियसली, ओके। और फिर उसके बाद क्लास, ओके, क्लास को हम रख लेते हैं वेर केयर, रोमन नंबर में लिखेंगे, साइज ले लेते हैं फोर, ओके, हम टेबल को बना लिया, ठीक है। सी यहाँ पर देखो एरर दे रहा है, क्या लिख रहा है? सिंटैक्स टू यूज नियर एसटीडी, देखो एसटीडी के पास कहीं पर एरर है, क्रिएट टेबल एसटीडी, ठीक है। अच्छा, क्रिएट टेबल एसटीडी कभी नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? कि एसटीडी जो है वो टेबल का कीवर्ड है, एसटीडी वन कर देंगे तो देखो ले लेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, टेबल वन कर दिए, देखो यहाँ पर ले लिया, देखो लिखा ना क्यूरी, ओके, ठीक है, टेबल लिख दिया। अब टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए कौन सा कमांड है? स्तुति बताएगी, टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए कौन सा कमांड है? इट इज डिस्क, ठीक है, डिस्क एसटीडी वन, ठीक है, आई हैव यूज्ड इट, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, एडमिशन नंबर, उस कितने एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं? अर्पिता बताएगी, अर्पिता टेल मी, बोलो बोलो, झिझक ना नहीं है, आराम से बेझिझक बोलो, ठीक है, यू आर सेइंग इट टू मी, ठीक है, जल्दी बोलो, इतना मैसेज देते रहता है, टन 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 टन, फोर है सर, हाँ, फोर है, वेरी गुड। कौन कौन सा फील्ड है बताओ, कौन कौन सा? एडमिशन नंबर, नेम, सेक्स और क्लास, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें, हाँ, अब इसमें मान लो हमको एक नया फील्ड और डालना है, सेक्शन, एस ई सी, क्या डालना है? आई हैव टू ऐड वन मोर फील्ड इन दिस एंड द नेम ऑफ द फील्ड इज सेक्शन, ओके, सेक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, किस टेबल को मॉडिफाई करेंगे बताओ, टेबल का नाम बताओ, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है, वी हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एसटीडी एंड वी हैव टू ऐड वन मोर कॉलम। मेरा ये लाइन समझ में आ रहा है? What we have to do? We have to change the structure of table, right? And what we have to do? We have to add one more column. एक और कॉलम इसमें डालना है, वो कॉलम का नाम क्या है? सेक्शन। और कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा? कैरेक्टर। साइज क्या होगा? एक, ठीक है। इस टेबल को, किस टेबल को चेंज करना है? एसटीडी वन को चेंज करना है, ठीक है। तो हम कमांड लिखते हैं, और हम कमांड कल बताए थे, कमांड इसका कैसे लिखाएगा, स्टडे आल्सो आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर वी आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, राइट, वी आर गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। तो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कौन सा कमांड है? टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कौन सा कमांड है? अल्टर टेबल, ठीक है, कौन सा कमांड है? अल्टर टेबल, अल्टर टेबल। फिर यहाँ पर देते हैं हम टेबल का नाम, नेम ऑफ, हियर वी राइट द नेम ऑफ टेबल, ओके, हियर वी राइट नेम ऑफ टेबल, अल्टर टेबल, एंड देन वी राइट नेम ऑफ टेबल, एंड हियर वी राइट, यहाँ पर हम लिखते हैं, या तो ऐड लिखेंगे, या तो मॉडिफाई लिखेंगे, मॉडिफाई, या तो ड्रॉप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एट्रीब्यूट का हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं, देन वी राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द देन एट्रीब्यूट्स, ओके, देन वी राइट एट्रीब्यूट्स, ओके, एट्रीब्यूट्स, बता रहा है समझ में? तो हम कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? अल्टर टेबल एस टी डी वन, टेबल का नाम क्या है? एस टी डी वन, एड, एड, हम यहाँ से क्या चूज किए, यहाँ ये तीनों में से हम किसको चूज कर रहे हैं? एड को चूज कर रहे हैं, ठीक है, एड। अब क्या एड करना है? सेक्शन। इसका डेटा टाइप कैसा होगा? कैर टाइप का होगा। साइज क्या होगा? एक होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, लेट्स राइट इट इन द माई एसक्यूएल, लेट्स मूव टू द माई एसक्यूएल, एंड देयर आई विल राइट द सेम कमांड,
ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा है अल्टर टेबल एसटीडी वन एड एड सेक्शन वर्कर सबको समझ में आ ये कमांड सबको समझ में आ गया सबको आया समझ में ये कमांड समझ में आया कि हम कैसे लिख रहे हैं। हाँ अब देखो एंटर की प्रेस किए देखो लिखा गया ओके। अब फिर से हम टेबल का स्ट्रक्चर को देखेंगे डिस्क टेबल का नाम एसटीडी वन देखो यहाँ पर आ गया नया देखो सबसे नीचे में एक नया कॉलम ऐड हो गया ना सेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू समझ में आ गया सबको सबको आया समझ में यस सर डिड यू फॉलो इट ओके ओके। अब मान लो हमको सेक्शन को हटाना है ठीक है तो सेक्शन को हटाना है कौन बोलेगा इसका क्या हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले बोलो सेक्शन को हटाना है ठीक है। नाउ आई वांट टू रिमूव द कॉलम सेक्शन ओके व्हाट आई विल डू यू कैन सी हियर ठीक है यहाँ देखो यहाँ पर सेक्शन को हटाना है कैसे हम क्या लिखेंगे बोलो मतलब सेक्शन को हटाना है मतलब हम टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं क्या लिखेंगे अल्टर टेबल टेबल का नाम क्या है बताओ एसटीडी वन। अब देखो ऊपर में क्या होगा ऐड होगा कि मॉडिफाई होगा कि ड्रॉप होगा ये बताओ हटाना है बताओ क्या होगा बोलो क्या होगा ऐड होगा या मॉडिफाई होगा या ड्रॉप होगा कोई तो बोलो बोलो स्नेहलता क्या होगा ऐड होगा मॉडिफाई होगा या ड्रॉप होगा क्या होगा भैरवी बोलो सर ड्रॉप होगा कहाँ थे इतने दिन से कभी आती हो कभी नहीं आती हो ऐसा क्यों नहीं सर थोड़ा सर में दर्द रहता है हेडेक रहता है अच्छा तुमको yes, हमेशा रहता है क्या नहीं सर कभी कभी बहुत ज्यादा रहता है कभी कभी नहीं रहता है इसलिए थोड़ा बहुत एक दो क्लास करते हैं फिर नहीं करते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक डॉक्टर हैं चंदौती मोड़ में होम्योपैथ के एक डॉक्टर हैं विजय शर्मा डॉक्टर विजय क्या तो नाम है हाँ ऐसे ही नाम है गायत्री होम्यो हॉल है उनका ठीक है yes. गुड डॉक्टर इन होम्योपैथ यू मीट हिम दिस इज माय एडवाइस ओके यू मीट हिम इज वेरी गुड डॉक्टर एंड इन होम्योपैथ तो अर्पिता समझ में आ रहा है यस सर आ रहा है ये बताओ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ड्रॉप लिखेंगे क्यों ड्रॉप लिखेंगे बताओ कारण बताओ कारण बताओ भैरवी का सुन के सिर्फ बोल रही हो कि ड्रॉप लिखेंगे ये बोली तो कारण बताओ टेल मी रीजन 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 चलो बोलो कौन बताएगा रीजन स्नेहलता रीजन बता दो स्नेहलता टेल मी द रीजन कैन यू हियर मी हटाना है सर डिलीट करना है सर इसलिए हाँ कॉलम को रिमूव करना है इसलिए ठीक है Are you getting me? देखो ठीक है तो लगता है स्नेहलता का नेट वीक है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोबारा हम पढ़ा रहे हैं कल भी पढ़ाए थे ड्रॉप किसको ड्रॉप करना है ये बताओ किसको ड्रॉप करना है किसको ड्रॉप करने के लिए बोले थे बताओ सेक्शन को ड्रॉप करने के लिए बोले थे ना बस ऐसे लिखेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे हमारा काम हो जाएगा इसको चेक करें इसको हम लोग चेक करते हैं MySQL में लेट्स चेक इट एट द MySQL आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू इज इट विजिबल अल्टर टेबल एसटीडी वन ठीक है ड्रॉप किसको ड्रॉप करना है सेक्शन को देखो सबसे नीचे वही है ना ऐसे ठीक है देखो ड्रॉप हो गया नाउ फिर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका डिस्क एसटीडी वन द फाइनली दैट वेरी कॉलम इज रिमूव ओके रिमूव तो चलो ये बताओ निकिता ये बताएगी कि नेम का साइज क्या है ये बताओ निकिता नेम का साइज क्या है फोर है बढ़िया से देखो नेम बोल रहे हैं बाबू दिख ही नहीं रहा सही से अरे बाबू इसको जूम तो कर लो जूम तो कर लो बड़ा जूम कर लो
दिखा? यस सर। नहीं दिख रहा? दिखा, बोलो नेम का साइज क्या है? नेम का 30। अब हम इसको 40 करना चाहते हैं, है ना? क्या करना चाहते हैं? 40 करना चाहते हैं, ठीक है? तो बताओ यहाँ पर हम कमांड कैसे लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो, बताओ कि कमांड हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? 40 करना है, क्या कमांड लिखेंगे? हाउ वी विल राइट द कमांड, राइट? अल्टर, अल्टर टेबल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, ठीक है? STD1 टेबल को हम चेंज कर रहे हैं, वो भी लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों में से बताओ कौन सा होगा, ये तीनों में से अल्टर मॉडिफाइड ड्रॉप यहाँ पर दिख रहा है, वो तीनों में से बताओ कौन सा होगा? ये तीनों देखो यहाँ पर एड मॉडिफाइड ड्रॉप दिख रहा है ना, ये तीनों में से बताओ यहाँ पर क्या होगा, एड होगा या मॉडिफाई होगा या ड्रॉप होगा? मॉडिफाई होगा, ठीक है, मॉडिफाई होगा। किसको मॉडिफाई करना है? नेम को करना है। बोलो किसको मॉडिफाई करना है? नेम को करना है। कैसा कर देना है? वेयर केयर कर देना है। कितना कर देना है? 40 कर देना है, ठीक है? सेमी कॉलन देंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेट्स चेक इट, ओके? ठीक है, MySQL चेक करते हैं। लेट्स चेक इट इन द MySQL, ठीक है? लेट्स अल्टर टेबल STD1, मॉडिफाई किसको मॉडिफाई करना है? नेम को करना है, वेयर केयर, और इसको कितना कर देना है? 40 कर देना है, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिखे दिखाई दिया? इसको देखना है तो फिर कैसे देखेंगे? डिस्क STD1 करेंगे, ये दिख जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर 40 हो गया नेम का, देखो दोनों स्क्रीन पर दोनों है सामने, पुराना वाला टेबल देखो 30 भी लिखा हुआ है, 40 भी लिखा हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग आगे चले। Now we will move to the next topic, that is select statement को लिखना हम देखते हैं, ठीक है? ये कल भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, ठीक है? आज थोड़ा ज्यादा बताएंगे, ठीक है? Let's see how to write the select statement. Select statement क्या करता है ये बताओ पहले। Select statement क्या करता है? Select statement it is used to retrieve the values of field, ठीक है? एसटीडी टेबल में कितने फील्ड हैं? इन एसटीडी टेबल वी हैव गॉट द 4 फील्ड, दैट इज नेम, एडमिशन नंबर, नेम, सेक्स एंड क्लास। अभी हम उसमें वैल्यू नहीं डाले हैं, ठीक है? तो चलो उसके पहले हम लोग वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है? वैल्यू डाल लेते हैं, लेट्स एड वैल्यू इन दैट, ओके? लेट्स एड वैल्यू, ओके? हम इसमें वैल्यू डाल लेते हैं। देखो वैल्यू डाल लेते हैं, कैसे वैल्यू डालेंगे? Insert into, बोलते जाओ, अगर बोलोगी तो थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है? बोलोगी तो प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है? Do cooperate, ठीक है? चलो बोलो क्या लिखेंगे, insert into के बाद बोलो क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी बोलो। Insert into table का नाम STD1 values, चलो सबसे पहला admission number का value 1, 2, 3, then name रमेश एंड देन सेक्स इज मेल, क्लास इज 12, ओके? दिस, ओके, आई हैव इंसर्टेड वन रिकॉर्ड, ओके? आई हैव इंसर्टेड वन रिकॉर्ड। नेक्स्ट इंसर्ट इनटू, फिर से हम उसको करते हैं, इंसर्ट इनटू STD1 वैल्यूज 1, 2, 4 एंड राजा इज ऑल्सो मेल एंड क्लास 11, ओके? आई हैव टेकन 11, राइट? नेक्स्ट अगेन आई एम इंसर्ट इनटू STD1 वैल्यूज 1, 2,
5 and Rani. Rani and Rani will be of female. Rani will be of female. Okay. And she reads in class 2. Here I have written. And I will close this bracket. You see all of all the records are inserted. Now let's learn how to use select statement. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, select, select star, star from std1. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, समझ में आया? तो select statement कैसे लिखते हैं? Select statement में सबसे पहले first of all we write select. I hope you are following me. देखो select statement कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो हम फिर समझा रहे हैं. We write select, select, select. ठीक है, select और column का नाम लिखते हैं. Then we write name of column separated by comma. Name of columns, columns separated by comma. Okay, then we write names of column separated by comma, comma. Then we write from and then we write table name. Okay, चलो कौन बताएगा? सब कुछ तो सामने लिखा हुआ है, तुम लोग बुद्धिमान भी हो, क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, कॉमर्स के अच्छे अच्छे स्टूडेंट है सब. चलो इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन बताएगा? Who will say? The names. I want to see the names. Okay, name of students. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ? क्या लिखेंगे? Select. क्या लिखेंगे बताओ? Name देखना है, बोलो. बताओ जल्दी. बोलो कोई भी बोलो. इतना नहीं भुकाते हैं, जरा जल्दी बोलो. कौन बोलेगा? बोलो अर्पिता. आवाज नहीं, बोलो बोलो, कोशिश करो, बोलो ना, कोशिश करो. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बोलो जल्दी. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती. चलो जल्दी बोलो अर्पिता, बोलो. सेलेक्ट क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कॉलम बोलो. किस कॉलम को देखना है? किस कॉलम को देखना है बताओ? सेपरेट हुआ है कॉमा से. तो बताओ कौन को, कौन से कॉलम को देखना है? निकिता, भैरवी, रेवांशी, किसको देखना है? नेम को देखना है, नेम. और सेक्शन को देखना है. देखो नेम और सेक्शन दो कॉलम को देखना है, दोनों को हम कॉमा से सेपरेट कर दिए. ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम किस टेबल से देखना है बताओ? टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम MySQL में हम लोग इसको डालकर देखते हैं. ठीक है, सेलेक्ट, सेलेक्ट नेम कॉमा सेट फ्रॉम, फ्रॉम STD1. आई होप फ्रॉम नेम नहीं है क्या? सेक नहीं है, सेक्शन नहीं है, सेक्स है. सेलेक्ट नेम कॉमा सेक्स फ्रॉम STD1. ओके, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? चलो कौन बताएगा? जिसका नाम बोलेंगे वही बोलेगी, वो बोलेगा. ठीक है, चलो लेट्स. सबसे पहले भैरवी, चलो भैरवी से शुरुआत करते हैं. ठीक है, तुम थोड़ा दिखा लो डॉक्टर को, समझी? यस सर. इनको दिखा लो, विजय शर्मा इनका नाम है. और इस तरह के प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी हुआ था, हमारे भाई को माथा में दर्द रहता था. ठीक है, यस सर. बोलोगी तो जैसे ही बोलोगी कि डीएवी के सर बताए थे माथा में, नाम बता देंगे हमारा. ठीक है, ठीक है. You will have to avoid the like imli, like golgappa etc. Okay, तो चलो देखो क्या है, अभी हमको डिस्प्ले करना है
नेम, क्लास और सेक्शन, हमको ये तीन चीज डिस्प्ले करना है, ठीक है? क्या लिखेंगे बोलो, क्या सिंटैक्स लिखेंगे बोलो, सिंटैक्स क्या लिखेंगे बोलो बोलो, सेलेक्ट, हम तो शुरुआत कर दिए, सेलेक्ट सेलेक्ट, हाँ क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है, नेम नेम सेक्स, नेम सेक्स और क्लास, ठीक है? क्या देखना है, नेम सेक्स और क्लास, नेम कॉमा सेक्स कॉमा क्लास, किस टेबल से देखना है, टेबल का नाम, टेबल का नाम बोलो, टेबल का नाम एसटीडी वन वन है, चश्मा भी चढ़ सकता है, वेरी गुड, ठीक है सर, लगा हुआ है चश्मा, लगाते ही नहीं है, ओ इसीलिए प्रॉब्लम है और क्या, अब तो यही प्रॉब्लम है, देन दिस इज द प्रॉब्लम, तब तो तुमको और मोटा चश्मा लग जाएगा फिर, ठीक है? जब तुम बोली तो इसका दो कारण होता है, वन इज माइग्रेन, अदर इज विजुअल, ओके यस नेक्स्ट। चलो अब देखो, अब ऐसा करते हैं, दूसरा टेबल देखते हैं, सो टेबल्स, दूसरा टेबल देखते हैं, देखो इसमें एक कल हम बनाए थे ए ए टेबल, चलो ए ए टेबल देखना है, इसका रिकॉर्ड देखना है, क्या क्या लिखेंगे बताओ, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी ऑल द फील्ड्स प्रेजेंट इन द ए ए टेबल, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए ए, ठीक है? देखो आ गया, मान लो हमको ई एम पी एल टेबल से देखना है सारा, क्या लिखेंगे बोलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल, ओके नाउ, ओके अब एस टी डी वन से देखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी डी वन, ओके आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है समझ में आ गया होगा। अब मान लो, मेरा ध्यान से सुनो, थोड़ा रिविजन करो, रिविजन करो और झिझक को हटाओ, ठीक है? निकिता इट्स योर टर्म, यस सर, ओके चलो, टेबल दिख रहा है, चलो ए ए टेबल दिख रहा है, ए ए यस सर, चलो ए ए टेबल में से हमें देखना है नेम और सेक्शन देखना है, नेम और और सेक्शन देखना है, बोलो बोलो, दो लाइन, ये लाइन बोलो जो हम बोले उसको रिपीट करो, तुम पहले सर आवाज नहीं आया, एक बार और फिर से बोलिए ना, अच्छा ठीक है एक बार फिर से बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको तुम रिपीट करोगी, ठीक है जो हम बोल रहे हैं उसको तुम रिपीट करोगी, ए ए टेबल से बोलो, ए ए टेबल से बोलो, ए ए टेबल से नेम और सेक sec s e c देखना है, नेम और sec देखना है, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, ए ए टेबल पे नेम और sec देखना है, फिर से बोलो, ए ए टेबल, नहीं समझाएंगे तब ना, तुमको नहीं समझ में आएगा तब ना हमको बोलोगी, आज 15 साल से ही काम कर रहे हैं, आ गया सर, फिर से बोलो, रिपीट करो, ए ए टेबल से नेम और सेक्शन देखना है, नेम और सेक्शन देखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखने के लिए क्या कमांड होता है, सेलेक्ट, क्या क्या देखना है, क्या क्या देखना है, नेम सेक्शन, किस टेबल से देखना है, ए ए टेबल से, ए ए टेबल से, देखो आई होप इट इज क्लियर, सेलेक्ट नेम कॉमा सेक, देखो उसमें नहीं है क्या, सेलेक्ट नेम कॉमा सेक फ्रॉम ए ए, सेलेक्ट नेम कॉमा सेक, क्या एरर, एरर क्यों दे रहा, अच्छा सेलेक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिए थे, देखो यहाँ पर एस ई एल ई सी टी, ठीक है आई होप इट इज क्लियर, ठीक है चलो, क्या नाम है उसका, नेक्स्ट तुम्हारे बगल में है तुम्हारे, ये क्या नाम है उसका, अर्पिता, अर्पिता, अर्पिता कैन यू हियर मी, चलो अब हम जो बात बोल रहे हैं उसको बोलो, ठीक है? अभी ई एम पी एल टेबल से देखो, जो हम बोल रहे हैं उसको रिपीट करोगी, ई एम पी एल टेबल से ई नेम, ई नेम
सैलरी और जॉब देखना है। बोलो इसी चीज को। ईएमपीएल टेबल से ईनेम जॉब और सैलरी देखना है। जॉब और सैलरी नहीं, सॉरी मैं जो सीक्वेंस बोला हूँ वही बोलो, फिर से बोलो। ईएमपीएल टेबल से ईनेम सैलरी और जॉब देखना है। फिर से बोलो। ईएमपीएल टेबल से ईनेम सैलरी और जॉब देखना है। ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट भी बोल दो जरा लगे। हाँ, देखने के लिए क्या करते हैं, देखने के लिए क्या लिखते हैं? सिलेक्ट ईनेम कॉमा सैलरी कॉमा जॉब फ्रॉम ईएमपीएल। वेरी गुड, तो बोलती नहीं हो मगर जब बोलती हो सही बोलती हो। ठीक है, सैलरी जॉब फ्रॉम ईएमपीएल, वेरी गुड। अब बोलो इसमें देखो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है बताओ। देखो सैलरी, देखो तो उसमें सैलरी क्या लिखा हुआ है, ए से एल ए आर वाई, और हम क्या लिखे थे, ए से एल आर वाई। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो गया, एस ए एल ए आर वाई। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, बात समझ में आ गया। अब रिवांशी, रिवांशी कैन यू हियर मी, रिवांशी कैन यू हियर मी? चलो नहीं सुन रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो हम कुछ क्वेश्चन देंगे बाबू, इसको बनाना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन आई विल गिव टू यू, ओके, यू विल सॉल्व इट, इसको बनाओगे, बना के हमको भेजोगे। ठीक है, देन ओनली यू विल एबल टू लर्न। ठीक है, इसी सबसे प्रिंसिपल कमांड तो तुम्हारा है सेलेक्ट, सेलेक्ट वाले को अगर समझ गए तो सब समझ जाओगे। ठीक है, सेलेक्ट वाले को समझ जाओगे। चलो ऐसा करो, थोड़ा 6 मिनट बचा हुआ है, हम और समझा देते हैं वो। ठीक है, चलो अभी निकित भैरवी, भैरवी कैन यू हियर मी? यस सर। चलो देखो, मेरा सवाल ये है तुमसे, मेरा सवाल ये है जो हम बोल रहे हैं उसको तुमको बोलना है। ठीक है, तुम लोग भी बोलोगी, ठीक है, अपने मन में बोलोगी। ठीक है, ईएमपीएल टेबल से नेम और जॉब देखना है, ईएमपीएल टेबल से नेम और जॉब देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम है। ठीक है, बोलो इसी चीज को बोलो पहले। ईएमपीएल टेबल से नेम और जॉब देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम है। फिर से बोलो। ईएमपीएल टेबल से और जॉब देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम है। चलो ठीक है, निकिता तुम भी बोलो इसी चीज को, क्या बोले, क्या बोली ये लड़की भैरवी? ईएमपीएल टेबल से नेम और जॉब देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम है। ठीक है, वेरी गुड, चलो फिर बोलो, रिपीट करो। ईएमपीएल टेबल से नेम और जॉब देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम है। क्या नाम है उसका, एक और अर्पिता, अर्पिता चलो बोलो, बोलो क्या क्या बोले हुए हैं। टेबल से नेम और जॉब देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब देखने के लिए क्या कमांड है भैरवी, बताओ, देखने के लिए, देखने के लिए क्या कमांड है बोलो। सेलेक्ट, चलो वेरी कॉन्फिडेंस में बोलो, एकदम पक्का बोलो। ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद बोलो क्या होगा अर्पिता, सेलेक्ट क्या क्या देखना है। नेम एंड जॉब। क्या क्या देखना है, नेम एंड जॉब देखना है, नेम एंड जॉब कॉमा ईनेम है, हाँ सॉरी, वेरी गुड, ईनेम कॉमा जॉब, जॉब किस टेबल से, फ्रॉम ईएमपीएल, ईएमपीएल किसका देखना है जिसका सैलरी 2000 से कम है। वेयर, यहाँ पर हम कमांड क्या लगाएंगे, वेयर सैलरी, एस एल ए आर वाई सैलरी, लेस देन का साइन, लेस देन 2000, एरर दिया, क्या दिया, एस एल ए आर वाई, ऊपर में क्या है, एस एल ए आर वाई, कहाँ पर एरर दिया जरा बताओ, एरर करना सीखो, एस ई एल ई सी, दिख रहा है वहां से, हमको यहाँ से नहीं दिख रहा है, माई गॉड, टी नहीं लगा, टी नहीं लगा, वेरी गुड, थैंक यू, इतना बोलोगे तब ना, नहीं बोलती हो तो हमको ही पढ़ाने में मन नहीं लगता है। ठीक है, फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, बोलते तो है सर, नहीं तो सर। आज नहीं बोल रही हो, कल हमारा इसी तापमान चढ़ा दी थी, फीडबैक नहीं मिलता है तो पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता।
और भी लोग थे, ठीक है, ये समझ में आ गया, वेयर समझ में आया। चलो अब हम देखो ऐसा देते हैं, ठीक है, जिसका एडमिशन नंबर 1, 2, 3 है उसका नाम देखना है एसटीडी टेबल से। बोलो रिपीट करो इसी चीज को जो हम बोले, जिसका एडमिशन नंबर 1, 2, 3 है उसका नाम देखना है एसटीडी टेबल से। जिसका एडमिशन नंबर 1, 2, 3 है उसका नाम देखना है एसटीडी टेबल से। ठीक है, क्या देखना है, क्या देखना है पहले ये बताओ, क्या देखना है, क्या देखना है, देखना क्या है सबसे पहले वो नेम, सेलेक्ट सेलेक्ट क्या देखना है, नेम किस टेबल से देखना है, किस टेबल से, इस टेबल से STD1 टेबल से, STD टेबल STD1 से सेलेक्ट नेम फ्रॉम STD1 वेयर वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, क्या नाम है उसका, रमेश नाम है, रमेश, ठीक है, उसका नाम क्या है, रमेश नाम है। ठीक है, ऐसा करो कि हमें जितने मेल 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 स्टूडेंट हैं उसका नाम देखना है एसटीडी टेबल से। I have to see the name of those student who are male. I have to see the name. क्या देखना है? नाम देखना है। किस टेबल से? STD1 टेबल से। सबका नाम देखना है? नहीं, जो मेल है उसका देखना है। बोलो क्या क्या स्टेटमेंट होगा अर्पिता, बोलो क्या देखना है सबसे पहले ये बताओ, क्या देखना है, जल्दी बोलो, एक मिनट बचा हुआ है मात्र। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एसटीडी वन, सबका देखना है, नहीं, वेयर सेक्स इज इक्वल टू, सेक्स इज इक्वल टू एम, ठीक है, एम, ठीक है, आई होप यू गॉट इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। इसके बाद आई विल गिव यू सम ऑफ द वर्कशीट, ठीक है, यू विल सॉल्व इट, जब बनाओगी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगी, बहुत अच्छा लगेगा, जो अच्छा जरूरत का चीज है, अकाउंट्स में इसका वर्क पड़ता है, आगे जाओगी ना तो इसका अकाउंट में वर्क पड़ता है, टैली वगैरह सब इसी पर बना हुआ है, ठीक है। आई होप यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ज्वाइन अगेन, ठीक है, तो भूल जाओगी, ठीक है, चलो ओके बाय, थैंक यू सर, वेलकम।